सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। ऋषि कपूर के जाने के बाद कपूर परिवार समेत फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में गम का माहौल है। ऋषि का निधन 30 अप्रैल को हुआ था। इसके कुछ दिनों बाद उनके लिए प्रार्थना सभा रखी गई और रणवीर कपूर ने गंगा में उनका अस्थि विसर्जन किया। इसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। रणवीर के साथ अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया में नीतू, रिधिमा कपूर साहनी, उनके पति भरत साहनी, आलिया भट्ट और डायरेक्टर अयान मुखर्जी, जो कि रणवीर के अच्छे दोस्त हैं, वो मौजूद थे। अब पूजा के बाद भरत ने ऋषि कपूर को अंतिम विदाई दे दी है। उन्होंने एक फोटो पोस्ट करके ऋषि कपूर का शुक्रिया अदा किया। भरत ने लिखा, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे अंदर आपके लिए कुछ है, जिसकी वजह से आपको अलविदा कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यादों के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये भी बताना चाहेंगे आप सभी को कि शुक्रवार को भरत साहनी ने ससुर ऋषि के साथ बीते लम्हों की तस्वीरें शेयर की थी। उन्होंने इस मैसेज के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल पोस्ट लिखकर ऋषि को याद किया। भरत ने लिखा, आपका दिया प्यार मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। आपने मुझे इतने समय में बहुत कुछ सिखाया है। आज मैं टूट गया हूँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगा। आरआईपी पापा। ऋषि कपूर के निधन के बाद काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री भी सदमे में है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 30 अप्रैल की सुबह HN रिलायंस हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। उन्हें कैंसर था, जिसका इलाज वो 2 सालों से करवा रहे थे। इसके लिए वो न्यूयॉर्क भी गए थे और लगभग साल भर वहीं रहकर आए थे। ऋषि की कैंसर से लड़ाई में उनकी पत्नी नीतू हमेशा उनके साथ खड़ी रही। उनके बच्चे भी पिता का ध्यान रख रहे थे। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल इंटर न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।